फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मसाज या फिर मालिश को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कई बार हमें मालिश करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है। चलिए आज जानते हैं कि जब भी आपको अपने आप को एक अच्छी सी मसाज देनी हो तो आपको किस तरीके से अपनी बॉडी पर मसाज करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं पैरों से, क्योंकि हमारी सारी टेंशन अगर हमारे पैरों को अच्छे तरीके से मसाज की जाए तो वैसे ही दूर हो जाती है। अपने पैरों की मसाज करने के लिए शुरुआत पैरों के नाखून और उंगलियों से करें। नाखूनों पर और उंगलियों पर हल्का हल्का प्रेशर देकर सर्कुलर मोशन में और सीधे तरीके से मसाज करने से ये हमारे पैरों की टेंशन और पैरों के दर्द दोनों को ही दूर कर देता है। अपने लेग्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करिए और ऑयल से अच्छे तरीके से सीधे सीधे सर्कुलर मोशन में ही इसे मसाज करिए। ऐसा करने से पैर काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा फ्री फील करते हैं। अपने गर्दन की मसाज करने के लिए अपने हाथों में ऑयल लगाकर सर्कुलर मोशन में अपनी गर्दन पर मसाज करिए। अपने बैक पर मसाज करने के लिए अपने हाथों पर ऑयल लगाकर बैक पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करिए। ऐसा करने से दर्द काफी हद तक दूर हो जाता है। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से और कुछ सही तरीके जो आपके शरीर की मसाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।